हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब की बार पढ़ेंगे स्थानीय मान का भाग दो। स्थानीय मान भाग दो का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे जैसे सीटेड में कुछ प्रश्न जो पूछते हैं उनमें थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना पड़ता, माइंड का प्रयोग क्या करना पड़ता, जैसे वो दे दिए इसी बार प्रश्न था, जैसे शब्दों में लिखे, शब्दों में लिखे 11,000 को अंकों में लिखिए। विकल्प उन्होंने दे दिया ए बी सी डी, ये चार विकल्प उन्होंने दे दिया। लिखित को अंकों में लिखिए, को अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए। तो कौन सा सही होगा? ये देखिए 3 बार 5 है, 6 बार है, 7। थोड़ा बड़ा लिख दें, 7। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, वी वाला पढ़िए जरा, कुछ लोग क्या करेंगे तुरंत लिखेंगे 11,000 पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कहाँ पहुंच गया? लाख में पहुंच गया। हमको कहाँ सॉल्व करना है अभी? 11,000 में। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें पुनः स्थानीय मान को याद करना। जैसे स्थानीय मान में अगर हम लोगों ने पढ़ लिया 714, तो 4 का स्थानीय मान 4, 1 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान, और सबको पुनः जोड़ देंगे कहां, 700 प्लस 10 प्लस, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 714 को भी, ये 14 है, इसका मतलब भी होता है 10 प्लस 714 माने ये इसका 700, ये 10, ये 4, कहने मतलब अगर हम उसके स्थानीय मान को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, संख्या प्राप्त हो जाती है। उसी तरह इसको भी करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 11,000, लिखेंगे ये हो जाएगा 11,000, फिर कह रहा है 1100, लिखिए 1100, फिर कह रहा है 11, सबको ऐड कर दीजिए, तो 1, 1, 1, 2, 1, तो 12,100, तो 12,111 माने विकल्प आपका डी सही होगा। अब क्वेश्चन लिखिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे अगला क्वेश्चन, 19,1919, पहले लिखिए 19,1919, हाँ शब्दों में लिखिए 19,1919, 19,1919, 19,1919, बस सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया है। हाँ 19,1919,
19,000 1919। तो बस वही प्रक्रिया है, पहले देंगे 19,000, हाँ 19,000, फिर 1900, फिर 19 ऐड कर देंगे 9,1,9,0,2, 20,919। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। पंद्रह हजार सोलह सौ सत्रह में कितना जोड़ दे कि वह 18,1920 हो जाए। शब्दों में लिखना है, अब इसका उत्तर बताइए आप लोग। 18,1920 हो जाए। क्या जोड़ दे, जैसे कह दिया जाए 20 में क्या जोड़ दिया जाए 27 हो जाए। कैसे पता 27 में से 20 घटा दिया, उसी तरह इसको भी करेंगे। पहले इसको ये लिख लेंगे, जो जो जैसे कहा वैसे लिख लीजिए। पहले पहले हम लोग लिख देते हैं 19,000 है पहले, उसके बाद 19,000, उसके बाद दूसरी लाइन पर लिखेंगे ना, जैसे 20 में क्या जोड़े 27 हो जाए, तो 15,000 नहीं जोड़े, तो जैसे आप कहें मतलब वही पड़ेगा। 15,1617, तो कितना हो जाएगा ये 16,617, ये हो जाएगा ना 15,1617। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 18,1920 इसको भी जोड़ा जाए 02991, 19,920। माने इसमें क्या जोड़ दिया जाए ये 19,920 हो जाए, तब इससे इसमें घटा दिया जाए, सीधा सा मतलब ये घटाना वाला ही प्रश्न हो गया। 20 में से 16,617 घटा दीजिए तो जो आएगा भाई क्या होगा आपका जोड़ने पे, आप कह दिया जाए अरे इसमें क्या जोड़े कितना हो जाए, 20 में क्या जोड़े 27 हो जाए, 27 में से 20 घटा दीजिए कितना बचेगा 7, इसमें से क्या जोड़े कितना हो जाए, बस सर यहां दिए है 15,000 हाँ, तो 18,1920 हो जाए, ये 19,920 होगा ना, और ये हो जाएगा 16,617। कह रहा 16,617 में कितना जोड़ दे कि 19,920 हो जाए, दोनों ये पहले तो ये मान निकालेंगे क्योंकि शुद्ध मान तो ये होगा, शुद्ध मान में से इसमें क्या जोड़े कितना हो जाए इसको इसमें से घटा देंगे बस। अब जो उत्तर आएगा, उत्तर क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका 3,303। अब इसी आधार पे आगे हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न बोल देंगे, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आ गया ना। चलिए इसी तरह सीटेट में प्रश्न आते हैं, ये जोड़ घटाना पर भी आधारित हो जाएगा। आगे लिखेगा 75 इकाई में कितना घटा दे कि वह 4/10 13 इकाई हो जाए।
अब 75 इकाई, इकाई माने इकाई क्या होता है, स्थानीय मान में जाएंगे 75 इकाई माने 75 गुणे 1 बराबर 75 माने 7 दहाई 5 इकाई। फिर आगे क्या कर रहा है दूसरी लाइन, 4 दहाई माने 4 गुणे 10, दहाई 10 अंक होता है, धन 13 इकाई माने 13 गुणे 1। ये 13 गुणे 1 स्थानीय मान वाला नियम लग रहा है, 4 दहाई माने 40 और 13 इकाई माने 13 का 13 तो 40 प्लस कितना हुआ 53। अब 75 में कितना घटा दे कि 53 हो जाए, तो 75 माइनस 53 तो आएगा 22। विकल्प भी कैसे देगा, विकल्प देगा कि 2 दहाई 2 इकाई, या तो ये दे दिया 1 दहाई और 12 इकाई। तब विकल्प ऊपर जाना है कैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, ठीक। 75 इकाई माने 1 गुणा 1, दहाई माने गुणे 10 और इकाई माने फिरे। हाँ नहीं, ये सीटेट का प्रश्न है और सीटेट का प्रश्न अटपटा लगता ही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सत्रह सैकड़ा 36 दहाई 19 इकाई इकाई में क्या जोड़ दे कि मैं क्या जोड़ दे कि वह 22 सैकड़ा 13 इकाई हो जाए, 22 सैकड़ा 13 इकाई हो जाए। आ गया क्वेश्चन क्या था, 17 सैकड़ा माने देखिए 17 सैकड़ा माने 17 गुणे 100, तो लिख सकते हैं 1700। फिर 36 दहाई, दहाई माने गुणे 10 360। फिर 19 इकाई माने 19 गुणे 1 बराबर 19, जोड़ दिया कितना हो जाएगा 9702 2079। अगला लाइन क्या कह रहा है, 22 सैकड़ा माने 22 गुणे 100, यहाँ लगा देते हैं 22 सैकड़ा माने 22 गुणे 100 22 सौ ठीक। अब 13 इकाई, दहाई दिया नहीं है, 13 गुणे 1 बराबर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2200। कह रहे इसमें कितना जोड़ दे, इसमें इसको घटा दीजिए तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 2213 माइनस 2079 कितना आया 134। इसको भी तोड़ के प्रश्न विकल्प दे सकता है, 1 सैकड़ा
एक सैकड़ा बीस दहाई चौदह इकाई। जी जो भी कहेगा हाँ ठीक है। आगे आप जल्दी जल्दी ढेर सारा प्रश्न लिख लीजिए, ये अभी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 6306344367 पर पूरा कंप्लीट कोर्स आपको उपलब्ध होगा। इस पर लिख के भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा ज्वाइन सीटेट। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, 42,000 शब्दों में लिखिएगा, 42,000 4675 में क्या जोड़ दे कि वह उनसठ हजार उनहत्तर सौ उन्यासी हो जाए। फिर आगे लिखिएगा, 14 सैकड़ा 38 दहाई 536 इकाई को। अंकों में लिखिए, इसका यदि आपको चाहिए और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा इलर्निंग विद दुर्गेश से या फेसबुक पेज पे इलर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके आप वहाँ जुड़िएगा, ताकि आपको वहाँ से इसका सलूशन या इसका हल भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, यदि आप सभी सब्जेक्ट के संपूर्ण वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे भी आप एनसीईआरटी किताबें राज्य सरकार की, अगर सॉरी केंद्र सरकार की 3, 4, 5 गणित का जाए तो वो लेके उसको पूरा सॉल्व कर दीजिए, या प्राथमिक की एससीईआरटी की गिनतारा उसको भी लेके सॉल्व कर दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं सीटेट में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। और इसकी में मैथ इजी आती है, 15 नंबर पेडोलॉजी, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो गणित से डरते हैं उनके लिए सीटेट यूपीटेट की अपेक्षा एक अच्छा क्वालिफाई करने का सामने जो एग्जाम है वो सबसे बेहतर है। इसलिए अगर आपके गणित वीक है तो सीटेट में मेहनत करें, सीटेट हो जाएगा। सीटेट 7 साल के लिए जबकि यूपीटेट 5 साल के लिए। इस वीडियो लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके।